हेलो एंड वेलकम टू फिल्म विंडो। मैं रविंदर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हार कर ही जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आप सोच रहे होंगे यार मैं ये क्या बोल रहा हूँ। यार ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस डायलॉग का आजकल बहुत यूज हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। जी हाँ, ट्विटर पर तो इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और वो इसीलिए उसका मैं रीजन बता रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि ट्विटर पर जो बिग बॉस के अब तक के जितने सीजन रह चुके हैं उनके जो फर्स्ट रनर अप होते हैं उनके लिए इस डायलॉग का यूज किया जाता है। उनके फैंस के थ्रू उनके फैंस पोस्ट बनाते हैं, मीम बनाते हैं इस डायलॉग को लिखकर। और फिलहाल असीम रियाज के साथ अभी बिग बॉस में ये हुआ था और उसके बाद अब ये हो रहा है प्रतीक सहजपाल के साथ। प्रतीक सहजपाल के फैंस उनके लिए पोस्ट बना रहे हैं, मीम बना रहे हैं ये लिखकर कि जो बिग बॉस की ट्रॉफी है प्रतीक सहजपाल ने उसको नहीं खोया बल्कि उस ट्रॉफी ने प्रतीक सहजपाल को खो दिया। और यहां तक तो यार ठीक था, ये सबके साथ किया जाता है। और उनके फैंस ने, उनके जो बहुत अच्छे फैंस हैं उन्हें प्यार करने वाले, उन्होंने तो कुछ ज्यादा ही कर दिया। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या कर दिया प्रतीक सहजपाल के साथ। प्रतीक सहजपाल को कंपेयर कर दिया उन्होंने दो बहुत बड़े दिग्गज के साथ। और वो दिग्गज कौन है? वो है विराट कोहली और डेविड वॉर्नर। विराट कोहली और डेविड वॉर्नर के साथ प्रतीक सहजपाल को कंपेयर कर दिया उनके फैंस ने। उन्होंने कहा विराट कोहली रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की ट्रॉफी जैसे अब तक नहीं जीत पाए, तो इसी बात को लेकर उन्होंने ये लिखा कि ट्रॉफी ने इन दिग्गजों को खोया है, इन दिग्गजों ने ट्रॉफी को नहीं। तो आपको क्या लगता है प्रतीक सहजपाल को इतने बड़े दिग्गज क्रिकेटर्स के साथ कंपेयर करना क्या सही है? क्योंकि विराट कोहली और डेविड वॉर्नर अपने अपने देशों के लिए खेलते हैं और प्रतीक सहजपाल एक अभिनेता है। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्या ये कंपैरिजन सही था या नहीं।